हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हमने फूड वेराइटीज़ पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जो पहले हमने पढ़ा है 1.2 लिस्ट देखा होगा आपने, उसमें इंग्रेडिएंट जो थे ये वाले, रोटी 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 चपाती, किससे मिलके बना होता है। इंग्रेडिएंट क्या यूज़ करते हैं, आटा और वाटर मिलाते हैं तो क्या मिलता है, फूड आइटम मिलता है हमें, रोटी और चपाती। ठीक है, अगर दाल की बात करें तो दाल से आपको दाल कैसे बनाते हो, किन किन इंग्रेडिएंट को मिला के बनता है दाल। पल्सेस, वाटर, साल्ट, घी एंड स्पाइसेस। ठीक है, इन सारे इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, फूड आइटम क्या मिलता है, दाल। फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2A, वेयर डू दे कम फ्रॉम। जो फ्रूट फ्रूट एंड वेजिटेबल, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2A, वेयर डू दे कम फ्रॉम। प्लांट ऑफ कोर्स, जो हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, किससे मिलते हैं, वो प्लांट से मिलते हैं। प्लांट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। जो सोर्स होता है राइस और व्हीट का वो क्या होता है। यू मे हैव सेंट पैडी और व्हीट, क्या आप धान और व्हीट के फील्ड को देखा है, विथ फील्ड विथ रॉ एंड रॉ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। जो हमें व्हीट मिलता है और राइस मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है, वो मिलता है हमें डायरेक्ट तो नहीं मिल जाता है राइस और डायरेक्ट तो नहीं मिल जाता है व्हीट, वो मिलता है पैडी से और व्हीट से। उसकी खेती होती है तब जाकर वो रॉ होता है, उससे होता है उसकी खेती पैडी और व्हीट से की जाती है, तब जाके ये हमें प्राप्त होता है राइस और व्हीट। नाउ विच गिव अस दिस ग्रेन, फिगर 1.3, फिगर 1.3। नाउ विच गिव अस दिस ग्रेन्स, फिगर 1.3, जो कि 1.3 में दिया हुआ है। जैसे है फूड आइटम इडली, इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द, साल्ट, वाटर। जो इडली है वो कैसे बनता है, राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर, इन सबको मिलाते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, इडली बन, हमें फूड आइटम क्या मिलता है, इडली। और ये सोर्सेज जो है ये कहाँ से मिलता है, राइस है, उड़द दाल है या वो, ये तो नहीं, उड़द दाल और राइस ये किससे प्राप्त हुआ, ये इसके सोर्स क्या है, प्लांट, प्लांट से आपको राइस मिला। ठीक है, उड़द दाल मिला, फिर चिकन करी, चिकन करी ये किससे मिला, इन किन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर चिकन करी बना, चिकन स्पाइसेस एंड घी वाटर मिल्क रखकर चिकन करी रेडी हुआ। और ये जो है सोर्सेस क्या हैं चिकन के, तो एनिमल हैं, और जो आप घी खा रहे हो वो भी एनिमल है, स्पाइसेस खा रहे हो वो प्लांट है, और इन सब चीज़ों से मिला चिकन करी, और इनका सोर्स है एनिमल, प्लांट। ओके, और खीर, खीर की अगर बात करें तो खीर किस किन किन चीज़ों से मिलकर बनना होता है, इंग्रेडिएंट से, मिल्क, राइस और शुगर। ओके, खीर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मिल्क, राइस और शुगर। और इन ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये किससे मिलते हैं, इनका सोर्स क्या है, एनिमल एंड प्लांट। ओके, नेक्स्ट एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। ये जो मिल्क है, एग है, मीट है,
ये कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है एनिमल्स से। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। द इंग्रीडियंट एंड दियर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल्स आर सून इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। नाउ एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रीडियंट एंड दियर सोर्सेज। सम एग्जाम्पल आर सुन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड। जैसे कि 1.3 में ये इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, फूड आइटम दिया हुआ है एंड सोर्सेज दिया हुआ है, उसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल लेना है और आपको इस तरह का कॉलम रेडी करना है। तो मैं एक इंग्रेडिएंट और ऐड कर रही हूँ, जैसे यहाँ इडली, चिकन करी एंड खीर बना हुआ है, तैयार किया गया है इस कॉलम में। तो एक और कॉलम वेजिटेबल लेते हैं, वेजिटेबल करी। तो वेजिटेबल करी में आप अगर पोटैटो ले लो, टोमेटो ले लो, पीस ले लो, और इनसे आप इन इंग्रेडिएंट का यूज़ करके आप एक क्या बनाते हो? वेजिटेबल करी बनाते हो। वेजिटेबल करी जो बन रहा है, इंग्रेडिएंट किन किन जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? पोटैटो, टोमेटो, ये क्या प्लांट से मिल रहा है। तो इनको यहाँ लिखोगे सोर्सेस, इंग्रेडिएंट एंड फूड आइटम, इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। ओके, वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड इंग्रीडियंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। ओके, तो यहाँ आप जो प्लांट से आप क्या मिल जाता है आपको? प्लांट से मिलता है आपको अनाज मिल जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ओके, एनिमल्स आपको क्या देते हैं? मिल्क, मीट, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, और काउ, गोट एंड बुफेलोज, ये जो हैं आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। जो काउ है, गोट है, बुफेलोज है, ये हमें क्या देते हैं? ये देते हैं मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमें मिल्क मिलता है उनसे हम क्या तैयार कर लेते हैं? बटर, जो कि क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? कोई और आप ऐसा एनिमल बता सकते हैं जो कि इनके अलावे, काऊ, गोट एंड बुफेलोस के अलावे, जो कि हमें दूध देते हैं? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।